राम भाई, सारे भाइयों ने क्या हाल चाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सब बढ़िया होंगे। पीछे आपको दिख ही रहा होगा महिंद्रा लिखा हुआ। महिंद्रा शोरूम में फिर से हम आ गए हैं और आज जिस गाड़ी की वीडियो बनाने वाले हैं वो अपना कमर्शियल व्हीकल। कमर्शियल व्हीकल में आपको मैंने पहले वीडियो बनाई होगी, वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो बाकी सारी डिटेल्स उसमें हैं, वो भी वीडियो जाकर देखो। वो अलग मॉडल्स है और ये जिस मॉडल की बनाने वा रहा हूँ ये भी अलग मॉडल है जिसका कमर्शियल सेगमेंट है महिंद्रा का, ठीक है। और उसके बाद बात करूं चैनल की तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, दबा के मार दो शेयर 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 और लाइक कर दो। जितने लाइक करोगे उतने अपना हरे भाई का मोटिवेशन बढ़ेगा और उतनी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो इसलिए भाई लाइक करो, चैनल को करो सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को कर दो शेयर। चलो बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ कि आपके तो मैं कौन सी लेके आया हूँ। ये कमर्शियल व्हीकल जो इसका महिंद्रा प्रोवाइड कर रही है बलेरो। कौन सा मॉडल है, क्या डिटेल्स है, अभी कैमरे को उस तरफ करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये कौन से वेरिएंट है। भाई ये खड़ा आपके सामने, ये है कमर्शियल व्हीकल महिंद्रा का और इसका नाम बता दूँ मैं आपको, ये है अपना वेरिएंट बलेरो मैक्स पिकअप सिटी 1.3। हाँ सिटी 1.3। आपने सिटी सीएनजी की मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो अभी जाए और चैनल पर और चैनल को कर ले पहले सब्सक्राइब और फिर देखे उस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा कर दो लाइक, क्योंकि जितने लाइक्स मेरे को मिलेंगे उतने वीडियो बनाने में और मज़ा आएगा। इस वेरिएंट की बात करें तो ये आपको एक शोरूम प्राइस गुड़गांव में कितना मिल जाता है। अभी हम खड़े हैं महिंद्रा आरओ मोटर्स महिंद्रा गुड़गांव मानेसर में शोरूम पर। अगर इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको एक्स शोरूम प्राइस आपको इसका, ये इसका LX है और एक आता है इसका CBC जो आता बिना इसके डाले के साथ, यानी चेसी चेसी आती है। तो ये इसका LX है, तो LX का जो प्राइस है एक्स शोरूम वो आपको मिल जाता है 8,49,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस अगर ऑन रोड। और उसके बाद अगर इसकी कैपेसिटी की बात करूँ कि इसका पे लोड कितना है, तो इसका पे लोड आपको 1300 kg इसका पे लोड आपको देखने को मिल जाता है। 1300 kg तक इसका पे लोड पास है। अगर डाले साइज़ की बात करें तो इसका डाला साइज़ आपको 8 फुट का जो इसकी लंबाई है वो मिल जाती है और 5.5 फीट की जो इसकी चौड़ाई है वो आपको देखने को मिल जाती है। और अब इसके टायर साइज़ की बात करें तो इसमें आपको 195/18 R15 इंच का टायर साइज़ देखने को मिल जाता है, जो आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है वो भी स्टील व्हील के साथ। फिर इसकी बात करते हैं इसके सस्पेंशन की, आपको 7 पट्टे कमाने वाला सस्पेंशन पीछे और 5 पट्टे कमाने वाला सस्पेंशन आगे देखने को मिल जाता है। फिर आती है इसके व्हील बेस की, किसका व्हील बेस कितना है, व्हील टू व्हील जो इसकी चौड़ाई होती है वो कितनी है। इसकी व्हील बेस जो आपको मिल जाती है वो व्हील बेस आपको मिल जाता है 3150 mm का, अच्छा खासा व्हील बेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर इसकी किलोमीटर्स की बात करें कि कितनी एवरेज आपको दे देती है, इसकी एवरेज आपको बहुत ही अच्छी और किफ़ायती एवरेज आपको देखने को मिल जाती है कमर्शियल व्हीकल में। इसकी एवरेज आपको 1 लीटर में आपको 17.2 km/L की जो एवरेज है वो आपको महिंद्रा क्लेम करती है, ठीक है। उसके बाद बढ़ते इसकी बैक प्रोफाइल में, बैक प्रोफाइल सेम आपको डाले के ऊपर महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक रिफ्लेक्टर बैज जो है स्टिप देखने को मिल रही है 3mm की। उसके बाद नीचे आपके पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं, बैक लाइट्स जो आपकी आपका सेटअप आता है वो हैलोजन बेस आता है, इसी के अंदर आपके टर्न इंडिकेटर्स होते हैं। नीचे आपको स्टेपनी की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है, पट्टे कमानी मैंने आपको बता ही दिया 7 पीछे और 6 आगे। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी फ्रंट लुक की तरफ कि आपको इसकी फ्रंट लुक में क्या देखने को मिल जाता है। बलेरो की तरह हेडलैम्प्स वो भी आपकी किसके साथ, सिंपल हैलोजन बेस सेटअप के साथ। उसके साथ यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स, ठीक है। ग्रिल की बात करूँ तो इसमें आपको ब्लैक ग्रिल देखने को मिल जाती है जिसमें आपका क्रोम की फिनिशिंग भी दी गई है। 4 टीथ जो है लाइनिंग दी गई है वो क्रोम की दी गई है। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है पूरा का पूरा क्रोम के साथ, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको बम्पर देखने को दिख रहा होगा, पूरा का पूरा लोहे का बम्पर है, बहुत ही सॉलिड बम्पर होता है जो बलेरो का जो भाई USB है किसका बम्पर लोहे का होता है, सामने को देखने को मिल जाता है। फिर उसके बाद हम इसकी इंजन की बात करें तो इसमें आपको 2.5 लीटर का यानी 2523 cc का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है जो 70 bhp की मैक्स पावर और 200 Nm का न्यूटन जो टॉर्क है वो आपको निकाल के दे देती है। एवरेज मैंने आपको बताई दी इसकी इंटीरियर की तरफ कि आपको इंटीरियर में क्या मिलता है। और भी उसकी बात करूँ तो आपको मैनुअल एडजस्टेबल
वो जो और भी उनसे वो देखने को मिल जाते हैं। अंदर आपको ये इसका डोर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर हैंडल पकड़ने के लिए कि आराम से आप इसको पकड़ के ऊपर चढ़ जाए। यहाँ पर आपको एक फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है लोहे का, वो भी आराम से ऊपर चढ़ जाए। अंदर बढ़े तो इसका इंटीरियर देखिए, आपको सेम वैसा ही रो इंटीरियर मिलता है। इसमें आपको कोई जैसे लुक्स की बात करें तो इसमें आपको कमर्शियल व्हीकल में पूरा का पूरा रो इंटीरियर देखने को मिल जाता है, पूरा का पूरा ब्लैक, पूरा का पूरा हार्ड टॉप। यहाँ पर एक बड़ा सा हैंडल ग्लव बॉक्स आपको दिखाऊं तो बड़ा सा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 5 मैनुअल स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। अंदर एक पावर सॉकेट मिल जाती है, ठीक है, 12 वोल्ट की। उसके बाद यहाँ पर अपने हैजर्ड वाले बल्ब चलाने के लिए बटन, यहाँ पर आप अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा सकते हैं, वो आपको साथ में नहीं मिलता। हैंडल की बात करें तो इसमें भी आपको कोई कंट्रोल देखने को मिलते, आपको रो हैंडल देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको ओडोमीटर, सेम आपको वही ओडोमीटर देखने को मिल जाता है जो आपको और जो सारी जो कमर्शियल व्हीकल आते हैं उसमें। और यहाँ पर आपको इसकी लाइट्स की जो फोकस के हैं बढ़ाने घटाने के पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा आपको देखने को मिलता। प्राइस मैंने आपको बता ही दिया है कि। तो भाई ये थी इसकी पूरी वीडियो, आपने देख ली होगी। ये थी अपनी महिंद्रा बोलेरो मैक्स पिकअप सिटी 1.3, ठीक है, सीएनजी नहीं थी। सीएनजी वाली वीडियो देखनी है तो मैंने आप वीडियो डाल रखी है, आप चैनल पर जाए और वहां पर विजिट करें और वहां पर पूरी वीडियो देखिए सिटी सीएनजी वाली, और वीडियो को करो लाइक ज्यादा से ज्यादा, जितना लाइक हो सके ना उतना धुमा उठा दो और लाइक कर दो पूरे ने, ठीक है, और शेयर भी कर दो वीडियो ने, जितनी शेयर हो सके यारों में, दोस्तों में, जितने भैया में हो सके उतनी शेयर उठा दो, चालन दो वीडियो ने, बढ़िया धुमा उठा दो कति, ठीक है। ऐसे बने रहना, हमें प्यार करते रहना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहो। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय श्री राम सारे भैया ना, जय श्री राम।